हेलो डियर स्टूडेंट्स और नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स अद्वा इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स को तीन प्रकार के अत्या विच आर दिस यंग्स मॉड्यूल्स बल्क मॉड्यूल्स एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ओके तो इन तीनों को हमने देखना है कि क्या होता है तो यंग्स मॉड्यूल्स जो होता है वो लेंथ से रिलेटेड होता है बल्क मॉड्यूल जो होता है वो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वो डायमेंशन से रिलेटेड होता है डायमेंशन से रिलेटेड मतलब क्या एक एखा सब्सटेंस के ऊपर अगर हम कुछ फोर्स एड करें और वो टूट जाए या फिर उसके ऊपर का लेयर सरक जाए तो क्या हो जाएगा उसके डायमेंशंस चेंज हो जाएगी और उसके डायमेंशंस अगर चेंज हो जाएंगी तो विथ रिस्पेक्ट टू तो द ओरिजिनल डायमेंशंस हमें उसका रेशियो निकालना होता है कि वो कितने एंगल से या फिर कितने डिस्टेंस से चेंज हुआ है ओके तो दैट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सो लेट अस सी द यंग्स मॉडुलस फर्स्ट यंग्स मॉडुलस इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ ओके यंग्स मॉडुलस क्या होता है रेशियो होता है कैसा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यनल स्ट्रेस स्ट्रेंथ ओके तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनता है दैट इज द अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया सो वी हैव जस्ट पुट द फॉर्म्यूला हियर एंड इन केस ऑफ द न्यू डिनोमिनेटर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ओके सो फिर उनका रेशियो हमने सिम्बोलिकली लिख दिया दैट इज एफ बाय ए अपॉन एल बाय कैपिटल एल ओके सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमोरेटर में जाता है एज वी नो दे आर फॉर कैपिटल एफ कैपिटल एल अपॉन ए अपॉन स्मॉल एल यंग्स मॉडुलर्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ओनली यंग्स मॉडुलर्स जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स का ही काउंट कर सकते हैं लिक्विड या फिर गैस का नहीं काउंट कर सकते लेकिन ये जो नीचे वाला हमारा है अभी बल्क मॉडुलस तो ये बल्क मॉडुलस रिलेटेड टू द वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो सारी चीजों को होता है गैस को होता है लिक्विड को होता है और सॉलिड uh, को भी होता है तो ये बल्क मॉडुलस जो है वो सबके लिए लगता है तो लेट अस सी द बल्क मॉड्युलस वेन यूनिफॉर्म फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ द कंप्लीट बॉडी इट अ चेंज इन वॉल्यूम विदाउट एनी डैमेज शेप वेन यूनिफॉर्म फोर्स इज अप्लाइड न्यूमरिकली ऑन द सर्फेस ऑफ कंप्लीट बॉडी अगर पूरी बॉडी पे सारी जगहों से अगर फोर्स अप्लाई किया जाए इट प्रोड्यूसेज अ चेंज इन वॉल्यूम तो वो बॉडी क्या है वो श्रिंक हो जाएगी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा विदाउट एनी चेंज ऑफ शेप उसका शेप नहीं चेंज होगा सिर्फ साइज चेंज होगा साइज जो है वो कम हो जाएगा अगर फोर्स हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं तो लेकिन अगर फोर्स हम इंटरनली अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ओके जस्ट लाइक ए बलून अगर बलून में हम गैस भरते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है ओके okay? और एक आधा बॉल है जिसको हमने बाहर से कंप्रेस किया तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा ओके okay? सो so, ये कंडीशंस आ जाएगी सो के इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम अपॉन स्ट्रेंथ ओके सो के इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ अब वॉल्यूम स्ट्रेस जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर जितना प्रेशर हम चेंज करेंगे उतना ही वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला बनता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ओके चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम तो उसको भी हमने निमारी के लिए लिख दिया फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमने बताया था कि जो है वो ऊपर जाता है दैट्स इन टू डी पी अपन डीवी सो फाइनल इक्वेशन हमारा बना के इज इक्वल टू वी डीपी अपॉन डी वी सो एज ए सिम्बोलिकली हम ऐसा लिख सकते हैं उसको और उसका डायग्राम जो है वो नीचे दिखाया है डीपी इज द प्रेशर एक्जर्टेड एक्सटर्नली एक्सटर्नली अगर हम प्रेशर एक्जर्ट कर रहे हैं तो डी वी जो अंदर वाला पार्ट दिखाया है दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम एज अप्लाइड प्रेशर

कि गैस ये जो प्रॉपर्टी है बल्क मॉडलर्स की ये गैस और लिक्विड और सॉलिड सबको लगती है द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडलर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल ओके तो ये सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज तो उसका आंसर है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल द मटेरियल इज इजीली कंप्रेस्ड इफ इट हैज अ स्मॉल बल्क मॉडुलस गैसेस हैव द मच स्मॉलर बल्क मॉडुलस देन सॉलिड्स ओके सॉलिड को दबाना हो तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है लेकिन गैस को अगर दबाना हो तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ता ये बात हमने इसमें अभी बताई ओके okay? तो तीसरा वाला जो है हमारा आप मॉड्यूलस ऑफ री जिसको दिखाएंगे हम इटा से ये जो साइन है एन जैसा दिख रहा है लेकिन ये एन नहीं है इसको इटा बोलते हैं वेन द फोर्स इज अप्लाइड टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी अगर कोई फोर्स हम सर्फ बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं इट प्रोड्यूस द चेंज इन शेप विदाउट एनी चेंज इन साइज ओके उसका शेप अगर चेंज हो गया क्या हो गया ऊपर वाला शेप अगर हमने ऊपर के ल, लेयर पे फोर्स अप्लाई किया तो वो शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा आगे चला जाता है देन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ स्टेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेंथ ओके तो यह रेशियो किस चीज का आता है शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेंथ का आता है टू अंडरस्टैंड मॉड्यिटी कंसीडर अ क्यूब हुज बॉटम सर्फेस इज एबीसीडी एक क्यूब लिया हमने उसका बॉटम सर्फेस एरिया है एबीसीिक्स एंड टेंजेंशियल फोर्स एफ इज अप्लाइड टॉप सर्फेस पी क्यू आर एस ए बी सी डी जो है उसका बेस सरफेस एरिया है और पी क्यू आर एस जो है वो ऊपर वाला सरफेस एरिया है टॉप सरफेस एरिया है उसके ऊपर हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया ओके okay? साइड से फोर्स अप्लाई किया एंड टेंजेंशियल फोर्स एफ इज अप्लाइड

ओके सो शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप प्लेन अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स प्लेन उसकी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप प्लेन क्या हुआ पी टू पी डैश और लेंथ क्यों नीचे हमने लिख दिया दैट इज पी 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 डैश इसकी वैल्यू जो है वो डी एक्स दिखाइए क्योंकि वो डीएक्स क्या है है लेंथ चेंज इन लेंथ है दैट इज डीएक्स अपॉन पी ए पी ए इज नथिंग बट इट्स ओरिजिनल लेंथ दैट इज कैपिटल एल इज इक्वल टू टैन चीटा या फिर टैन फाइव यहां दिखाया गया है फाइव इफ द फाइव इज स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियन अगर फाइव हमारा बहुत छोटा हो तो उसको हम रेडियन में काउंट कर सकते हैं तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला पहले ही बनता क्या है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेंथ दैट इज एफ अपॉन ए अपॉन थीटा ओके सो दीज आर द थ्री कॉन्स्टेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट्स कौन से कौन से है यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस एंड रिजिडिटी ओके गॉट इट